से आप सभी स्वागत करती हूँ आपका फिर से नई वीडियो में। आज की क्लास में हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के रिगार्डिंग एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बेटा आपके एग्जाम के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3 या 4 मार्क्स में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस एज 7/15, 1/3 एंड 1/5। इनकी बेटा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको गिवन है। बी रिटायर्स, अब बी क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है एंड हिज शेयर इज टेकन बाय ए एंड सी इन द रेशियो 3:2। और जो बी जा रहा है तो बी का शेयर क्या कर रहे हैं, ए एंड सी किस रेशियो में ले रही है बेटा, 3:2 की रेशियो में ले रही है। अब आगे देखिए, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है ये। इमीडिएटली बी इज एडमिटेड, बी ने रिटायर किया उसी टाइम में क्या कर रहे हैं, बी एज अ पेड पर्सन है उसको क्या कर रहे हैं, एडमिट कर रहे फॉर 1/3 शेयर के लिए। कितना शेयर ले रहा है बी, 1/3 शेयर के लिए आ रहा है। 1/4 ऑफ बी, यानी कि 1/3 का बेटा 1/4 पार्ट वॉज गिवन बाय ए। जो डी नया पार्टनर अब आ रहा है उसके शेयर का 1/4 उसको कौन दे रहा है, 1/4 पार्ट कौन दे रहा है, ए दे रहा है। एंड द रिमेनिंग शेयर, और जो उसका बाकी शेयर रह गया वॉज टेकन इक्वली ए एंड सी, और जो उसका जो शेयर बच गया उसका जो बचा है उसको इक्वली कौन पे कर रहा है, ए एंड सी कर रहा है। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर डीज एडमिशन। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ए एंड सी की। किसकी बात करते हैं बेटा, ए एंड सी की। एग्जिस्टिंग शेयर, एग्जिस्टिंग शेयर, पहले इनका शेयर कितना था पहले आप वो लिखिए। ए का शेयर था 7/15, 7/15 एंड सी का क्या शेयर था, सी का था बेटा 1/5 शेयर था इसका। ठीक है, बी क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है। अब बी जा रहा है तो बी बोल रहा है भाई मेरा जो शेयर है उसको कौन लेगा, ए एंड सी किस रेशियो में लेंगे, 3:2 की रेशियो में लेंगे। तो ए कितना गेन कर रहा है, ए गेन हम फाइंड करेंगे। ए का ले रहा है बेटा, बी का शेयर कितना था बेटा 1/3, इसको दोनों पार्टनर ले रहे 3:2 की रेशियो में। तो ए कितना गेन कर रहा है, 1/3 का, तो ऑफ का साउंड होता तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, 3/5 ले रहा है। सी कितना ले रहा है, 1/3 का 2/5 ले रहा है। तो यहां पर कैलकुलेट कर लेंगे, 3 1 3 3 5 15 3 2 1 2 2 3 5 15। तो न्यू शेयर क्या निकल के आएगा बेटा इन दोनों का, न्यू शेयर ए एंड सी का 7/15 तो उसका एग्जिस्टिंग था उसमें प्लस कर देंगे जो बी से मिला, ऐसे इसका निकलेंगे जो पहले था उसको और जो बी से मिला उसको लिख लेंगे। दोनों का एलसीएम लेंगे, यहाँ पर भी 15 है, 15 का 15 रहेगा तो 7 में 7 और 3 तो 10/15 किसका आ गया, ए का। ऐसे इसका निकालेंगे एलसीएम लेंगे 15 5 3 का, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 2 5/15। तो इनकी रेशियो क्या हो जाएगी, न्यू रेशियो बेटा 10:5 यानी कि 2:1 इनके न्यू रेशियो हो जाएगी। न्यू रेशियो किस किसकी, ए एंड सी की। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया। अब ये सारी चीजें करने के बाद अब ये क्या कह रहा है कि इमीडिएटली डी इज एडमिटेड, अब डी को एडमिशन मिल रहा है भाई 1/3 शेयर के लिए। कितने शेयर के लिए डी आ रहा है, डी शेयर कितना है, डी का शेयर है 1/3, जिसमें से क्या कर रहा है वो डी, 1/4 ऑफ विच वॉज गिवन बाय ए। तो ए दे रहा है किसको, ए गिवन टू डी, ए कितना दे रहा है डी को, 1/3 का 1/4 पार्ट यानी कि 1/12। अब निकालेंगे रिमेनिंग शेयर, रिमेनिंग शेयर कितना रहेगा, रिमेनिंग शेयर हम कैसे निकालते हैं बेटा, 1/3 था उसका, 1/3 में से माइनस 1/12 कर देंगे, एलसीएम लेंगे 12 आ जाएगा, 3/4 रह गया, 3/12 रह गया। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है देखिए, हाँ 3/12 रह गया यानी कि 1/3 में से 1/12 तो वो कहां से ले रहा था, ए से ले रहा था, और जो 3/12 रह गया वो किसे ले रहा है, वो अब इक्वली लेगा दोनों से। तो ए पहले एक पार्ट निकालेंगे, रिमेनिंग शेयर है 3/12, 3/12 का इक्वली कितना हो जाएगा, 1:2 रेशियो हो जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3/24 इसको कट करेंगे 1/8 आ जाएगा। यानी कि अब 1/8 कौन सैक्रिफाइस करेगा, ए एंड सी सैक्रिफाइस करेंगे दोनों ही पार्टनर्स। ठीक है, 1/8 कौन देगा, 1/8 देगा ए देगा जो रिमेनिंग है, और 1/8 ही कौन देगा, सी देगा। तो हम निकालेंगे हम ए न्यू शेयर, ए का नया शेयर। अब ए की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या निकल कर आई थी, 2:1 निकल कर आई थी। ठीक है, हमें ये वाली नहीं देखनी, अब जो हमने न्यू रेशियो निकाली है उसको देखना था। तो 2/3 में से बेटा इसने क्या किया, पहले तो 1/12 पेमेंट की उसको, ठीक है, फिर इसने क्या किया, इक्वली पेमेंट करी तो 1/8 भी इसने दिया। फिर बी का निकालेंगे, बी न्यू शेयर, बी का नया शेयर क्या है, बी की रेशियो क्या थी बेटा, 1/3 थी, इसने ओनली 1/8 सैक्रिफाइस किया है। ठीक है, एंड डी का शेयर आपको क्वेश्चन में गिवन ही है, 1/3 इसका शेयर है। तो अब इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम ले आ जाएगा बेटा 24 एलसीएम आ जाएगा, 3 8 जा तो 2 8 जा 16, -12 2 जा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 8
थ्री जाए तो यहाँ पर थ्री आ जाएगा, यानी कि 16 में से आप 5 माइनस करेंगे, ये भी माइनस का 2 है, माइनस का 3 है, तो माइनस के 5 हो गए, तो यहाँ पर 11/24 आ जाएगा। यहाँ पर ऐसे हम लेंगे सेम 24 रहेगा, 3 8 जाए तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, 8 3 जाए तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो 5/24 यहाँ आ जाएगा। ये इसका 1/3 शेयर डिनोमिनेटर सेम करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8/24। तो न्यू रेशियो क्या निकल के आएगी, 11:5:8 हमारी क्या निकल के आ जाएगी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगी। इस टाइप के क्वेश्चन बेटा आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट को ऐड करके क्वेश्चन बनाया हुआ है, इसलिए आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है, जो जो क्वेश्चन बोलता चाहे उसके अकॉर्डिंग आप उसको सोल्व करते चले जाना, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। लेकिन आपको बेटा ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है, तो इस तरह के आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। और रेशियो निकालने के लिए हमेशा याद रखना डिनोमिनेटर आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यदि डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो पहले आप उसको सेम कर ले, उसके बाद ही आप रेशियो निकालें। और रेशियो यदि कट सकती है ठीक है, तो रेशियो को आपको काटना भी जरूरी है, क्योंकि जो आपका सॉल्यूशन होता है, जो आंसर की निकल के आती है क्वेश्चन पेपर की, उसके अंदर जो बेटा काट के जो रेशियो आती है उसी को दिया जाता है ठीक है। तो कई बार एग्जामिनर क्या करता है, वो डायरेक्ट रेशियो चेक करने लग जाता है, शायद एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड होता है वो किस टाइप से क्वेश्चन को देखता है ठीक है। तो रेशियो काटते हैं तो उसको काटना है और डिनोमिनेटर को सेम करना है, उसके बाद ही रेशियो को लिखना है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।